सीवान जिले के मैरवा के मझौली चौक के समीप साई कॉम्प्लेक्स में स्थित मैक्स फिटनेस यूनिसेक्स जिम का पहला वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजीव द्विवेदी सहित ट्रेनर उत्सव राज और सुबोध दुबे ने संयुक्त रूप से केक काटा। इस दौरान राजीव द्विवेदी ने कहा कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेनर उत्सव राज ने कहा कि स्वास्थ्य शरीर और दिमाग दोनों ही फिटनेस को डिफाइन करते हैं। अगर हर दिन आप कसरत करते हैं तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है, इसके बारे में ट्रेनर ही बता सकता है। और यहाँ पर बाउंसर के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जिम में सारी व्यवस्था मौजूद है। जिम प्रतियोगिता के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। तो आप सभी को हम एक बार फिर से बताते चले कि मैरवा के मझौली चौक के समीप साई कॉम्प्लेक्स में स्थित मैक्स फिटनेस यूनिसेक्स जिम का पहला वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजीव द्विवेदी सहित ट्रेनर उत्सव राज और सुबोध दुबे ने संयुक्त रूप से केक काटा। इस दौरान राजीव द्विवेदी ने कहा कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेनर उत्सव राज ने कहा कि स्वास्थ्य शरीर और दिमाग दोनों ही फिटनेस को डिफाइन करते हैं। अगर आप हर दिन कसरत करते हैं तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है, इसके बारे में ट्रेनर ही बता सकता है। और यहाँ पर बाउंसर के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जिम में सारी व्यवस्था मौजूद है। जिम प्रतियोगिता के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। वही इस मौके पर जिम ट्रेनर उत्सव राज, सुबोध दुबे, ऋषभ कुमार, राजीव द्विवेदी, सौमिल उपाध्याय, दीपक श्रीवास्तव, मोहम्मद इमरान सोनू, जहरुद्दीन, रवि कुमार, सत्यम कुमार, नीरज मदसिया, अभि सिंह, डीजे प्रिंस बाबू, रोहित कुमार, विवेक सिंह कुशवाहा, मोजामिल, सनी कुमार, अमित सिंह कुशवाहा, प्रिंस कुमार सहित सैकड़ों युवा मौजूद थे। आज मैक्स फिटनेस जो जिम है, आज एक वर्ष पूरा होने पर केक काट करके उसका वार्षिक उत्सव मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हमारे लिए बड़े ही हर्ष का दिन है। आज हमारा मैक्स फिटनेस जिम जो है एक साल का हो गया, और इसके लिए मैं सबको आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। क्या संदेश दीजिएगा जिस तरीके से जिम के माध्यम से, क्यों यहाँ पर जो लड़के हैं जिम करने आएंगे यहाँ पर, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के? एक्सरसाइज के माध्यम से लोगों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा वातावरण जो है किस तरह से पॉल्यूटेड है, और हर कोई बीमार है। कोई आपसे ये दावा नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम अपने आप को या तो योगा से जोड़ लें, या कहीं आसपास कोई जिम है उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर रेगुलर जाकर एक्सरसाइज करें। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम 50 बीमारियाँ ऐसी हैं जो उनको छू नहीं सकती, वो हमेशा फिट रहेगा जो एक्सरसाइज से जुड़ा रहेगा। सिर्फ शरीर के लिए, शरीर को फिटनेस बनाने के लिए लोग जिम करेंगे कि यहाँ पर योगा भी है कुछ सिखाया जाए? नहीं, देखिए योगा जैसी स्थिति तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य में हमने शुरू करने का ऐसा कुछ प्लान किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहले लोग घर से इसके माध्यम से लोगों के शरीर में क्या क्या फायदा हो सकते हैं जिम के, जो यहाँ पर? जी जी, हर तरह का इम्प्रूवमेंट। देखिए जैसे हमारे शरीर में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, स्टमक के पार्ट्स हैं, तो सारे ऑर्गन जो है सब सक्रिय हो जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सारे ऑर्गन सक्रिय रहते हैं। जब सब कुछ पूरा शरीर आपका प्रॉपर वे में चलेगा तो आप शारीरिक रूप से तो मजबूत होंगे, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी सक्रिय होंगे। समाज का कोई भी काम हो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, भागीदारी करेंगे। कितनी आवश्यकता है जिस तरीके से जो युवा हैं, सिर्फ देखा जा रहा है कि नशे के शिकार आज के रेट में हो रहे हैं, लेकिन अपने कहीं आगे कुछ करने के लिए नहीं सोच पा रहे हैं और ना ही कहीं इस तरीके से जिम करने के लिए जा रहे हैं। जी देखिए, इसका कारण यही है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत पुराना एक पिक्चर मैंने देखा था, उसमें एक गाना हुआ करता था कि घबरा के हम जो सर को टकराएं तो अच्छा हो, जीने में 100 गम है, मर जाएं तो अच्छा हो।
मुझे लगता है आज का युवा इसको छोड़ के अगर ये कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, ये मोटिवेशन चाहिए। और युवा जो आज का भटक रहा है उसको धीरे 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 इस तरफ लाया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने आप को फिटनेस से जोड़े, फिट रखे। हम क्या करेंगे कि उस तरीके से जो लड़के हैं वो अपना नशा छोड़ करके इस तरीके से कार्य करें अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए? जी, इसके लिए उनको एहसास दिलाया जाए, वो जिम्मेदार बने अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हो, उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाए, एक्सरसाइज के एडवांटेज बताया जाए उनको, तो निश्चित रूप से वो इस तरफ आएंगे, मोटिवेट होंगे। क्या संदेश दीजिएगा, आज आपका एक वर्ष पूरा हो गया, जो भी युवा उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन एक सालों में, एक साल बहुत कम समय होता है मेरे हिसाब से, और एक्सरसाइज की जो प्रक्रिया है ये सालों चलने वाली है। इन एक सालों में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़े ग्रुप को हमने हेल्दी बनाया है। सिर्फ लड़के लड़कियां दोनों आकर के यहाँ जिम कर सकते हैं? जी, सबके लिए अलाउ है, इसीलिए हमने इसका यूनिसेक्स जिम रखा है नाम। यूनिसेक्स का मतलब यही होता है कि जिसमें दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों इन्वॉल्व हों। अपना परिचय बता दें। जी, मैं राजीव द्विवेदी, मैं एक अध्यापक हूँ, और जब से ये जिम खुला है मैं इसका रेगुलर मेंबर हूँ, और मैं हूँ इसे बेसिकली लार का हूँ, लेकिन मैं रहता यही हूँ मेहरवान।